दीपावली का पर्व भेदभाव को दूर कर आपसी प्रेम संबंध को बढ़ावा देता है। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दीपावली में अभावग्रस्त बस्तियों में रहते हैं और गरीबों के साथ दीपावली मना रहे हैं। वृद्धाश्रम में भी जहां दीपावली को लेकर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दिव्यांग भी इस खुशी के पर्व को बांटने में पीछे नहीं है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिवाली पर एक बड़ी धनराशि पटाखों को चंद मिनटों में स्वाहा कर देते हैं। दिवाली पर अपनी खुशी के लिए ज्यादातर लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों को उपहार भी भेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिवाली के पर्व की खुशी को दूसरों के साथ भी साझा करते नजर आते हैं। जी हाँ, राहुल यादव भी ऐसे ही एक शिक्षाविद हैं जो अपनी हर दिवाली बस्ती में जाकर गरीबों के बीच मनाना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके साथ इनका पूरा परिवार गरीबों के साथ खुशियां बांटने चला जाता है, जिन्हें बस्ती के लोगों के साथ दिवाली मनाकर एक अलग ही सुकून मिलता है। खुशी तो असीम है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये सामाजिक दायित्व है। मैं कॉरपोरेट सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा अपनी पूर्व आय में से कुछ अगर मैं समाज के लिए कर सकूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। एक अंदर एक सुकून, एक खुशी मिलती है कि हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा इन तरह के लोगों के लिए नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते, लेकिन कुछ ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूट करें ताकि अपनी खुशी उन लोगों के साथ बांट सकें। दीपावली के मौके पर वृद्धाश्रमों में भी खास सजावटें की गई हैं। यहाँ भी दीपावली के पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासतौर पर बुजुर्ग महिलाएं यहाँ दीपों को सजाकर दिवाली मना रही हैं। देश के कई राज्यों में दीपावली समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ दिव्यांगों में भी दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।